प्रधानमंत्री मोदी को अब की बार 400 पार का सपना साकार करना है तो सबसे ज्यादा सीटें यूपी से जीतनी होंगी। यूपी में बीजेपी सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, लेकिन पहले और दूसरे चरण के नामांकन भरते भरते जमीन पर जो माहौल दिख रहा है वो मोदी और बीजेपी की चिंता बढ़ा सकता है। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी की वो सीटें जहां बीजेपी के नेता आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए हैं। बीजेपी की अंदरूनी कलह धरातल पर दिखाई देने लगी है और ये कलह इतनी तेज है कि कहीं बीजेपी को विपक्ष के बजाय अपनों से ही नुकसान ना हो जाए। यूपी में पहले चरण और दूसरे चरण में जिन लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें आधा दर्जन सीटों पर बीजेपी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने दिखने लगी है। जिन सीटों पर बीजेपी में अंदरूनी घमासान साफ दिख रही है वो सीटें हैं फतेहपुर सीकरी, बरेली, बदायूं, कानपुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत। सबसे पहले आपको फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के घमासान के बारे में बताते हैं। यहां से बीजेपी ने राजकुमार चाहर को लोकसभा उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बीजेपी के ही पूर्व सांसद और बीजेपी के मौजूदा विधायक बाबूलाल ने अपने बेटे का निर्दलीय पर्चा भरवा दिया है। बीजेपी विधायक बाबूलाल कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार चाहर का समर्थन नहीं करेंगे। फतेहपुर सीकरी लोकसभा चुनाव पर चौधराहट की असली लड़ाई देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाह रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने आज नामांकन किया है। तो क्या देखा जाए चौधरी साहब, किस तरह से देख रहे हैं कि ये इलेक्शन एक तरफ तो राजकुमार चाह के खिलाफ है वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ भी है, क्योंकि आपने निर्दलीय नामांकन? बीजेपी के खिलाफ कोई मैटर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजकुमार चाहर के अपने जो 5 साल के कर्म हैं उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं और क्षेत्रीय जनता में जो जनाक्रोश है वो जनाक्रोश उनके कार्यप्रणाली को लेकर है। उनका क्षेत्र में नहीं रहना, अनुपलब्धता रहना, यही एक बड़ा मुद्दा है। इसकी वजह से जनता आक्रोशित होकर निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देने का काम कर रही है। दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राजकुमार चाहर को घेरा जा रहा है, एक तो उनकी अनुपलब्धता, दूसरा उनका आर्थिक साम्राज्य। क्या ये दोनों मुद्दे जनता में आप लेकर जा रहे हैं तो जनता आपको सपोर्ट कर रही है? नहीं, देखिए जनता में ये देखो मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आम जनता जिन मुद्दों को हाईलाइट कर रही है या जिन मुद्दों से पूछ रही है, सवाल पूछ रही है सांसद जी उनके जवाब लगातार देखा जा रहा है कि एक तरफ आप हैं अगर रामनाथ से करवा रहे हैं कांग्रेस से, वो भी लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार आपको क्या लग रहा है? देखिए मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई निर्दलीय उम्मीदवार को क्षेत्र की जनता हाथों हाथ ले रही है और निर्दलीय उम्मीदवार ही फतेहपुर सीकरी में इतिहास लिखेंगे और फतेहपुर सीकरी प्रेजेंट करने का काम करेंगे। बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है। एक उम्मीदवार का नाम घोषित होने पर सभी को उसका समर्थन करने के लिए कहा जाता है। जाहिर है सीएम योगी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपने विधायक को जरूर समझाया होगा, लेकिन चौधरी बाबूलाल नहीं माने और फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के घोषित उम्मीदवार राजकुमार चाहर को हरवाने के लिए खुले तौर पर पूरी ताकत लगा दी है। फतेहपुर सीकरी जाट और दलित बाहुल्य लोकसभा सीट है। आगरा से सटी फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट साल 2009 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर सबसे पहले बीएसपी की सीमा उपाध्याय सांसद बनी थी। इसके बाद साल 2014 में चौधरी बाबूलाल सांसद बने। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाबूलाल का टिकट काटकर राजकुमार चाहर को उम्मीदवार बनाया था और तभी से राजकुमार चाहर और बाबूलाल के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। चौधरी बाबूलाल की पार्टी उम्मीदवार से खुली बगावत के चलते यहां चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ में आ गया है। फतेहपुर सीकरी के बाद आपको अब बरेली लोकसभा सीट पर छिड़ी बीजेपी की अंदरूनी जंग के बारे में बताते हैं, जो बीजेपी की सुरक्षित माने जाने वाली सीट को मुसीबत में डाल सकता है। बरेली में बीजेपी क्यों फंस गई है इसकी वजह भी जान लीजिए। बरेली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने छत्रपाल सिंह गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। गंगवार ने यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। इस मौके पर उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बरेली के सांसद संतोष गंगवार भी साथ दिखे। इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इस बार 80 में से 80 सीटें आ रही हैं, लेकिन बात इतनी सीधी सीधी नहीं है। संतोष गंगवार सीनियर नेता हैं, 7 बार बरेली से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, इसलिए वो तो खुलकर पार्टी उम्मीदवार का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक मानने को तैयार नहीं हैं। संतोष गंगवार के समर्थक नहीं समझ पा रहे हैं कि पार्टी ने उनके नेता को किस बात की सजा दी है। कई समर्थक तो इतने गुस्सा हैं कि चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं।
गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी की गारंटी पीलीभीत में भाषण में भी कह गए वो, और बाघों की दहाड़ और बांसुरी की बात की, किसकी बांसुरी बजेगी इस बार? मोदी जी की। मोदी जी की बांसुरी बनेगी? प्रत्याशी कौन है यहाँ बीजेपी का, नाम बताओ। मैं उसका नाम ही बोला हुआ नहीं, अरे बीजेपी का प्रत्याशी का नाम नहीं पता, ऐसे में मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, और मोदी जी जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। प्रत्याशी नहीं पता बीजेपी का? प्रत्याशी नहीं पता है, बहुत सारे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। जो एक मेन जो चेहरा था पहले मेनका गांधी जी थी, फिर दोबारा उनके बेटे आए वरुण जी, ठीक, अब उनका टिकट काट दिया गया। अच्छा, ऐसे में ये मानते हैं कि वरुण मेनका गांधी पूरे देश में एक सियासत में बड़ा नाम है, और अब की बार नए प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया, प्रत्याशी का नाम लोग नहीं जान रहे, तो कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, मोदी जी आए हैं, मोदी जी अपना काम करें। बरेली में तीसरे चरण में मतदान होने हैं। नामांकन के पहले तक उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद बीजेपी आलाकमान पार्टी कार्यकर्ताओं के गुस्से को देखते हुए संतोष गंगवार को वापस उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन अब छत्रपाल सिंह गंगवार के नामांकन के बाद साफ हो गया है कि पार्टी यहां से उम्मीदवार नहीं बदलने वाली है। बरेली में अगर बीजेपी को अंदरूनी कलह की वजह से नुकसान होता है तो ये पार्टी के लिए बड़ा डेंट होगा। बरेली के बाद उसके बगल की बदायूं सीट पर भी नजर डाल लीजिए। बदायूं से बीजेपी ने दुर्विजय सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। दुर्विजय सिंह शाक्य ने पर्चा भी दाखिल कर दिया है। अभी तक इस सीट से संगमित्रा मौर्य सांसद थी। संगमित्रा यूपी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। संगमित्रा टिकट कटने के बाद मंच पर रो चुकी है, अब उनके समर्थक चुनाव में घर बैठ गए हैं। बदायूं में बीजेपी उम्मीदवार के लिए मुश्किल ये भी है कि यहाँ उनका मुकाबला समाजवादी प्रत्याशी आदित्य यादव से है, जो शिवपाल यादव के बेटे हैं। पहले यहाँ से शिवपाल ही चुनाव लड़ने वाले थे। बदायूं को वैसे भी यादव परिवार का गढ़ माना जाता है। अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव यहाँ से सांसद रह चुके हैं। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ साजिश के तहत हराया गया था, इसका बदला इस बार के चुनाव में ले लिया जाएगा। यानी साफ है कि बदायूं में बीजेपी अंदरूनी कलह नहीं संभाल पाई तो इस सीट को बरकरार रखने में उसे मुश्किल हो सकती है। यूपी की कानपुर सीट पर तो भाजपाई विपक्ष को हराने के बजाय एक दूसरे को ही हराने में लगे हैं। कानपुर में बीजेपी ने रमेश अवस्थी को उम्मीदवार बना दिया। यहां टिकट के कई दावेदार थे, लेकिन 2019 के बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी का टिकट काटने के लिए बीजेपी ब्राह्मण चेहरे रमेश अवस्थी को खोज लाई। कानपुर में बीजेपी के रमेश अवस्थी का कांग्रेस उम्मीदवार आलोक मिश्रा से सीधा मुकाबला है। इंडिया गठबंधन के करार के तहत समाजवादी पार्टी ने ये सीट कांग्रेस को दी है। कानपुर लोकसभा सीट पर प्रचार में सत्यदेव पचौरी के समर्थक कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। 2019 के चुनाव में सत्यदेव पचौरी ने कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल को हराया था। समाजवादी ने किया, कहा वो किया, समाजवादी पेंशन दी, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, हाईवे दिया, चुंगी व्यवस्था समाप्त की, 5 लाख किसानों का जो दुर्घटना बीमा था वो दिया, कानपुर में मोती झील बनवाई, चिड़ियाघर बनवाई, नवीन मार्केट बनवाया। समाजवादी जो कथनी करने में कोई फर्क नहीं, और समाजवादी ने एक और घोषणा पत्र में अपने कहा है, कांग्रेस की बात की, कांग्रेस का, कांग्रेस हमारी सहयोगी पार्टी है, हम दबाव डला के हर हाल में उनसे हर अपनी योजनाओं में अमली जामा को बनवाएंगे। हमारे नेता युवाओं की बात करते हैं, ये जो घोषणा पत्र हैं उनमें युवाओं के लिए आपको कुछ नजर आया तीनों पार्टियों को? युवाओं के लिए भाई देखिए कुछ नहीं, सिर्फ उनको रोजगार चाहिए। युवाओं को कोई सरकार भी, कोई भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे सपा, कोई भी रोजगार दे नहीं रही है। युवा सिर्फ एक वोटर बैंक बनकर रह गया है। युवा को चाहिए रोजगार, रोजगार मिले और भविष्य उज्जवल हो। मुजफ्फरनगर और पीलीभीत में बीजेपी के अंदरूनी हालात क्या हैं ये भी किसी से छिपे नहीं है। बीजेपी में अंदर खाने में सब कुछ ठीक न होने के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के संजीव बालियान तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। वो हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन टीम बीजेपी की तरफ से ही उन्हें हिट विकेट करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम खुलकर संजीव बालियान का विरोध कर रहे हैं। हालांकि संगीत सोम कह रहे हैं कि वो बालियान के विरोध में हैं, लेकिन बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं।
तो क्या इससे उनकी पार्टी का कार्यकर्ता कंफ्यूज नहीं होगा? अब यही हाल यूपी की पीलीभीत सीट का भी है, जहां से बीजेपी ने वर्तमान सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर जतिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। हालत ये है कि जतिन प्रसाद को कई गांवों में विरोध झेलना पड़ रहा है, कई गांवों में तो जतिन घुस भी नहीं पा रहे हैं। 1996 के बाद बीजेपी यहां बिना मेनका गांधी परिवार के चुनाव मैदान में है। वरुण गांधी खुलकर जतिन प्रसाद का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में उन्हें बहुत सक्रिय भी नहीं देखा जा रहा है। अब की बार 400 पार का लक्ष्य लेकर बढ़ रहे प्रधानमंत्री और बीजेपी को अपने अश्वमेघ रथ के नट बोल्ट समय पर ठीक करने की जरूरत है, वरना कहीं चुनाव की सबसे बड़ी रणभूमि में यही रथ रुक न जाए। बीजेपी अपनी पार्टी में छिड़े इस अंदरूनी घमासान को समय रहते दुरुस्त कर पाती है या नहीं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। कल किसी नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सियासी नुक्ता विद मुक्ता के लिए आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।